राम सीता विवाह के तर्ज पर हुआ अनंत राधिका के प्री वेडिंग का सेलिब्रेशन। बहन ईशा और भाभी श्लोका का हाथ पकड़कर अनंत मंडप में करते हैं एंट्री, तो वहीं राधिका भी आतिशबाजी के शोर में नाचते हुए अनंत के लिए गाना गाते हुए दुल्हन के लिबास में मंडप तक आती हैं। खुशी से झूम उठी सास नीता तो ससुर मुकेश अम्बानी ने बहू राधिका की भव्य एंट्री पर बजाई तालियां। झूम झूम कर ऐश्वर्या अभिषेक नाचते दिखाई दिए, तो वहीं बादशाह शाहरुख खान अपनी बेगम गौरी का हाथ पकड़कर रोमांटिक डांस करते दिखाई दिए। मुकेश नीता ने अनंत राधिका के प्री वेडिंग शादी का आगाज जैसा किया था अंजाम उतना ही भव्य और खूबसूरत रहा। खैर ये तो ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है, क्योंकि शादी जुलाई में है और शादी कितनी भव्य होने वाली है इसका अंदाजा आप बीती रात हुई हस्ताक्षर सेरेमनी से लगा सकते हैं। ये सेरेमनी भी प्री वेडिंग का हिस्सा है जिसमें उन्होंने कागज पर साइन किया, खूबसूरत रात को सेलिब्रेट किया। ये सेरेमनी भी राम सीता विवाह के तर्ज पर की गई थी। इसकी शुरुआत ईशा और उनके पति स्पीच से करते हैं। आनंद अपने होने वाले सास ससुर का आशीर्वाद लेते दिखाई दिए, ईशा से बातचीत करते हैं और उसके बाद जानवी कपूर राधिका की नजर उतारती भी दिखाई दी। गुजरात में 3 दिन तक आनंद अंबानी और राधिका मर्चेंट की प्री वेडिंग फंक्शन चले। इन फंक्शन में दुनिया भर के सेलिब्रिटीज शामिल होने के लिए आए। भारत की तमाम बड़ी हस्तियां गुजरात के जामनगर पहुंची थी, तो पॉप स्टार रिहाना, इवांका ट्रिप, बिल गेट्स जैसे नामचीन लोग भी शामिल हुए। इन लोगों के भारत आने से पाकिस्तान में भी खूब चर्चा हुई। पाकिस्तान के लोग इस बात पर हैरानी जताने कि कैसे एक शादी के लिए इतने नामी लोग एक साथ आ सकते हैं और कितनी बड़ी रकम खर्च की गई होगी। पाकिस्तान के यूट्यूबर सना ने अपने देश के कई युवाओं से शादी की बात की है। सना से बात करते हुए पाकिस्तान के युवा वलीद ने कहा, हमारे यहाँ PSL चल रहा है। केरल पोलार्ड को अंबानी का बुलावा आया और वो PSL छोड़कर भारत चले गए। केरल पोलार्ड एकदम ऐसे हो गए कि उनको बाप दादा ने बुला लिया हो। ये दिखाया है कि अंबानी और उनके पैसे की क्या ताकत है। पोलार्ड की टीम कराची किंग बुरी हालत में है, लेकिन पैसे का मामला है तो कोई कैसे ठुकराएगा। उन्होंने एक मिनट में पाकिस्तान को हैसियत दिखा दी। पाकिस्तान में पोलार्ड की खूब आलोचना हो रही है, लेकिन उन्होंने इसकी जरा फिक्र नहीं की। उन्होंने आगे कहा, इस फंक्शन में शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान एक साथ नाचते दिखाई दिए। तीनों महंगे स्टार हैं और आपस में कभी तीनों की बनती भी नहीं है। इंडिया की इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्री तीनों को कभी एक साथ नहीं कर सकी, लेकिन अंबानी ने एक झटके में इन तीनों को एक साथ कर दिया। इतना ही नहीं, ये तक कहा जा रहा है कि भाई एक बार बॉर्डर खोल दो, पाकिस्तान का ही एक शख्स वहाँ की प्री वेडिंग देख ले। अनंत राधिका के प्री वेडिंग फंक्शन का शोर पूरी दुनिया में गूंज रहा है और इससे पाकिस्तानी बहुत खिसिया गया है। पाकिस्तानी ने अनंत अंबानी को लेकर ऐसे बयान दिए हैं जिसे सुनकर हर किसी को झटका लग गया। उमर नाम के शख्स ने कहा कि अंबानी ने दुनिया भर के लोग बुलाए, लेकिन पाकिस्तान से कोई नहीं बुलाया। यहाँ लोगों ने खामखा में अफवाहें फैलाई कि बार बार आजम को नोएडा आया है, जिसमें कोई दम नहीं था। इस शादी में ये भी दिखा कि दुनिया के लोग इंडिया के कल्चर में रंगे दिखाई दिए। एयरपोर्ट पर नाचते वो निकलते दिखाई दिए। वो अपने घर की शादी से ज्यादा इस शादी में खुश दिख रहे हैं। साफ है कि अंबानी के पास पैसे की बड़ी ताकत है जो किसी को भी नचा सकती है। ऐसी ताकत कम से कम एशिया में तो किसी के पास नहीं दिखती है। उमर ने कहा, इस प्री वेडिंग में ही अरबों रुपए खर्च किए गए हैं। अगर इसमें से कुछ पैसा अंबानी गरीबों को कोई काम करने के लिए खर्च दे देता तो लोग जिंदगी भर याद करते और इस पैसे से एक बड़ी आबादी की गरीबी भी दूर हो सकती थी। इतना ही नहीं, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह की शादी देखी होगी जहाँ बिल गेट्स गलियों में चाय पी रहे हैं, रिहाना नाच रही हैं। मैं तो इंडिया के लोगों को कहूँगा कि यार कुछ दिन के लिए बॉर्डर खोल दो, अगर एक दो दिन के लिए सरहद पर कुछ ढील हो जाए तो हम भी जाकर देखेंगे। कम से कम वो जगह ही देख ले जहाँ पर ये बड़ा सा इवेंट हो रहा है। हमने तो कभी इस तरह का इवेंट अपनी दुनिया या सपने में भी नहीं देखा। अगर मौका मिलेगा तो इस तरह का इवेंट जरूर देखूंगा।